My God, हम यहाँ से आए और ये रास्ता बंद है, अब हमें जाना पड़ेगा ऑड टनल होके। तो अभी हम एंटर होने वाले हैं ऑड टनल। तो आज हम जा रहे हैं जीबी। यहाँ पे शॉप है, अगर आपने शॉपिंग करनी है यहाँ पे, और यहाँ पे फिक्स्ड प्राइस है। और ये वार्मर्स हैं और जैकेट्स हैं। ठीक है, कैसा लग रहा है? नहीं? यहाँ पर एक बार स्नोफॉल हो के आई थिंक खत्म भी हो चुका है। दिस इज द स्टेज ऑफ दिस कैफे। एनीवन कैन कम विद देयर कैराकीज एंड एंजॉय। तुझे कैसी नींद आई यार? अरे उठाया क्यों मेरे को सुबह सुबह? भाई अभी 10 बज चुके हैं, उठो जल्दी। मजा आ जाता है सोने का इधर। हाँ भाई, मुझे तो आई बड़ी मस्त नींद ना रात को, क्योंकि कैफे जब बंद हो जाता है तो सारा यहाँ पे गर्म हो जाता है अंदर। क्यों? हाँ भी की क्या चाहिए? अच्छा पानी है? गर्म पानी नहीं चला बाथरूम में। ठीक है, चल मैं जाके आता। यहाँ एक्चुअली धूप की थोड़ी कमी है आजकल, इसलिए बर्फ मेल्ट नहीं हो रही। कौन से देवता हैं यहाँ के? ग्राम देवता हैं? छोई देवता है। क्या नाम इनका? छोई देवता। यहाँ पे आप शराब पी के नहीं जा सकते, एंड यहाँ पे आपको साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है पूरी तरह से ना। तभी मैंने देखा था विक्की, तो एक बार रूट भी चढ़ाता था ना यहाँ पहले, इसीलिए तभी है यहाँ पे। ऐसे टिकने नहीं देते यहाँ पे, है ना, मतलब कुछ गलत काम नहीं चाहिए यहाँ पे। तो हो गया मैं फ्रेश। विकी, ये जो आपकी तलवार है, आपकी अपनी तलवार है या किस लिए आप लेके आए यहाँ पे? तो आप ये घर से लेके आए हैं? तो कल रात को जो इनवाइट थे हमारे गेस्ट, उन्होंने आज इनवाइट किया हमें एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे बर्फ मिलेगी, ऐसा बोल रहे। अभी वहीं जा रहे हैं हमारे, तो उसके बाद हम जाएंगे। अभी जब जीबी जा रहे हैं, ये गोपाल अभी देखो ड्राइविंग कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड हो गई है, क्योंकि सब जैकेट पहने हैं। मफलर तो लेना पड़ेगा कि मेरे को लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं वही ले लूँ यार, एयर मफलर, एयर वार्मर। हाँ एयर वार्मर। तो बनते रहिए हमारे साथ। टेम्परेचर तो बहुत लो है, लेकिन एक्चुअली पहले स्नोफॉल हो चुका है इसलिए इतनी ठंड है। जाम के कारण हमारा फ्रेंड विकी निकल चुका है आगे पैदल। सैटरडे संडे का टाइम है तो यहाँ पर बहुत ही रश है। ग्रीन लोग, ग्रीन लोग। फिर कान कर लिए गरम। हेलो प्यारा यार, प्यारा भाई। ये जो खरगोश है, हाँ अंगोरा वैरायटी है ना, करते खरगोश को यहाँ से गर्दन से, यहाँ से देखना जब भी शेर जैसे पकड़ती है ना, शेर नहीं अपने कहाँ से विकी नीचे को। क्या सजेशन है तुम्हारी? हमें जाना चाहिए है। जा तो हम सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी बर्फ जमी हुई है और हम कहीं फंस ना जाए यार वहां तक। पैदल ही हमने डिसाइड किया कि हम पैदल ही चलेंगे। ये देखो जरा पीछे बंदों ने कपड़े कैसे पहने, एक जैकेट उसके ऊपर एक कोट। देख लो भाई, हमारे भाई हैं, इनके कैफे हम जा रहे हैं। तो अभी अचार लेके चले हुए, तो कितना मुश्किल है यहाँ पहुँचाना, लेकिन यहाँ पे आके जो लोग इंजॉय लेते हैं वो भी एक अलग बात है। मैं चाहता हूँ कि आज यहाँ पे इतनी अच्छी स्नोफॉल आई और मेरे दोस्त आए हैं, तो वो यहीं पे रुके ना भाई। ना भाई, अपने चल जाना, कल ऑफिस जाना है। और दिलीप भाई के साथ तो ये है एक नया कैफे जाम आए। सिग्नल की नहीं होनी चाहिए बस, कोई प्रॉब्लम और क्या। तो जैसे विक्की ने खरगोश उठाया था वैसे मैंने अचार उठाया है और हम पहुंच गए हैं। वाह यार,
मस्त है वहाँ, हमने तंदूर है। क्या बोलते विक्की इसको? बुखारी। है क्या भाई आपके कैफे का नाम? द पहाड़ियंस है। तो ये भाई ले जा रहे हैं हमें टूर पे अपने द पहाड़ियंस, इनका जो होटल है कैफे है यहाँ पे। तो देखते हैं अभी क्या रूम है इनके। जैसे लकड़ी रहती है ना, ये देवदार की रहती है कि फ्रेग्रेंस भी आती है? हाँ वही ना, सर्दियों में इतनी नहीं है, जितनी गर्मी होगी तो एक फ्रेग्रेंस भी आएगी रूम में जब रहेंगे। यहाँ से इनके बाहर का व्यू जो आसपास दिख रहा है। क्या रुका है वारा? तो अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन चली है, कुछ टाइम लगेगा, एक दो महीने, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। लेकिन रेडी तो है अभी। खैर मेरे को लग रहा है विक्की ना बाहर का ज्यादा एंजॉय है अगर हम यहाँ बैठे ना।